पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रेल मंत्रालय ने रेल कर्मियों के उत्साह वर्धन एवं उनका कार्य के प्रति मनोबल बनाए रखने के लिए 2020-21 का 78 दिन का उत्पादक तथा बोनस देने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे पर समूह गा एवं घा के अराजपत्रित कर्मियों को त्योहारों के अवसर पर अधिकतम 17,951 रुपए का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 111 रेल कर्मियों के मृत्यु के मामले में से 109 का निस्तारण कर दिया गया है और आधारित नियुक्ति दे दी गई है और एक मामलों में चयन प्रक्रिया चल रही तथा एक मामला डिस्प्यूट के कारण लंबित है और कोरोना से हुई मृत्यु में रेल कर्मियों के आश्रितों को कर्मचारी कल्याण निधि से 2 की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 85 रेल कर्मियों के आश्रितों को सहायता दी गई है और 30 सितंबर तक कुल 787 कर्मचारियों को MSCP का लाभ दिया जा चुका है। 364 कर्मचारियों को पदोन्नति किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी वेव से निपटने के लिए 7 अक्टूबर को मंडलीय चिकित्सालय इज्जत नगर में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा और बच्चों के लिए तीसरी लहर से निपटने की आशंकाओं के मद्देनजर ललित नारायण मिश्र चिकित्सालय गोरखपुर में 16 बेड का पेडियाट्रिक कोविड वार्ड तैयार किया गया है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, प्रमुख विभागाध्यक्षगण, रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे साथीगण, आज की यह प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है जो इस वर्ष अभी तक रेलवे ने कार्य किया और उसमें रेल कर्मियों का जो योगदान रहा, जिसकी वजह से रेलवे कई परियोजनाओं को पूरा कर सका, जिसके बारे में अभी महाप्रबंधक महोदय एक वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे। रेल कर्मियों के परिश्रम की वजह से जो उपलब्धियां रेलवे को हासिल हुई, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने बोनस की घोषणा की है, जिसके संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि कृपया अपना वक्तव्य दें। सबसे पहले आप सभी को आगामी त्योहारों की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्वोत्तर रेलवे, जैसा आप सब जानते हैं, 3 मंडलों में विभाजित है, लखनऊ, वाराणसी और इज्जत नगर। 505 स्टेशन हैं, उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम बिहार और उत्तराखंड को हम परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आप सबको मालूम है कि कोरोना की विभीषिका से सारा भारत और उसके साथ ही रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था। पहली वेव में, दूसरी वेव में बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ आ गई थी, पर फिर भी हमारे रेल कर्मियों ने कंधे से कंधा मिलाकर रेल परिचालन को रुकने नहीं दिया। इस दौरान हम लोगों का संचालन, गाड़ियों का संचालन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। रेल कर्मचारियों ने बड़ी सहजता के साथ आगे बढ़ कर के गाड़ियों को चलाया। इन सब रेल प्रशासन अपनी तरफ से जो भी कर सकता था अपने कर्मचारियों के लिए, अपने सभी कार्य करने वाले यूएन ऑफिसर्स के लिए, उसको किया। चरणबद्ध तरीके से सबका टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक 46,776 रेल कर्मियों और 54,327 रेल के आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मियों का टीकाकरण की प्रथम वैक्सीन लग चुकी है और 23,934 रेल कर्मियों और 36,996 रेल आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मियों का टीकाकरण के अंतर्गत द्वितीय वैक्सीन भी लग चुकी है। रेल मंत्रालय ने हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए वर्ष 2020-21 में आज ही
78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस देने का निर्णय हुआ है। इससे पूर्वोत्तर रेलवे पर समूह ग और घ के अराजपत्रित कर्मियों को त्यौहार के अवसर पर अधिकतम 17,991 रुपये का लाभ मिलेगा, जो कि करीब करीब 70 करोड़ का बर्डन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ऊपर आएगा। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना काल के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 111 कर्मचारियों का देहावसान हुआ। उन सारे मामलों में हमने उनके परिवार को, उनके सबको जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते थे वो किया, जो हम दे सकते थे। उस 111 कर्मियों में सबसे जो जल्दी किया गया वो 109 परिवारों के लोगों को, आश्रितों को नौकरी दी गई अनुकंपा के आधार पर। और जो दो मामले बचे हैं उसमें एक मामले में ऑलरेडी चयन की प्रक्रिया चल रही है, वो पूरी हो जाएगी। और एक मामला ऐसा है जिसमें कि उत्तराधिकार का डिस्प्यूट है, इसलिए उसमें फैसला नहीं हो पाया। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में एक और फैसला लिया कि जितने भी हमारे कोरोना के कारण मृत कर्मचारी थे उन सबके परिवार को 2-2 लाख रुपया हम स्टाफ बेनिफिट फंड से दे रहे हैं। उसमें भी अभी तक करीब 85 कर्मचारियों के परिवारों को वो पैसा दिया जा चुका है और बाकी को भी अगले कुछ दिनों में पूरा कर दिया जाएगा। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा बाहर से चिकित्सक भी लिए, 39 चिकित्सकों का अपॉइंटमेंट किया, 14 पैरा मेडिकल स्टाफ संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया तथा 50 पैरा मेडिकल स्टाफ की स्थायी नियुक्ति की गई, ताकि कि पैरामेडिकल स्टाफ की या डॉक्टर्स की कोई कमी ना रहे। और इनफैक्ट तीसरी वेव की जो बात कर रहे हैं या जैसा सोचा जा रहा है कि कहीं त्योहारों के बाद कुछ ऐसा ना हो, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने पिछली बार द्वितीय वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी महसूस करी गई थी, हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी गई थी, पर जितनी मेहनत से और कोऑर्डिनेशन से करना पड़ा था, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी हमने गोरखपुर में, बनारस में और लखनऊ में 3 जगह तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इज्जत नगर में भी प्लांट लग चुका है। 7 तारीख को से वो प्लांट काम करने लगेगा, कल से वो प्लांट भी काम करने लगेगा। इन सारी कठिन परिस्थितियों के दौरान भी, होने के बाद भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क हैं वो काफ़ी सुनियोजित तरीके से चल रहे हैं और वर्ष 21-22 में शाहजहांपुर पीलीभीत खंड का जो गेज कन्वर्जन का कार्य था वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। कुछ डबलिंग का जो 21-22 का टारगेट है, काफ़ी बड़ा टारगेट है। सीतापुर पर सैंडी करीब 19 किलोमीटर है, 35 बुड़वल है 32 किलोमीटर, मलहर डालीगंज है 13 किलोमीटर, सातवार बलिया है करीब 18 किलोमीटर, फेफना करीब दीनपुर है 22 किलोमीटर और उनका दोहरीकरण और भटनी पिकोल 7 किलोमीटर बाईपास लाइन का कार्य पूरा करने का टारगेट है। और यहाँ डोबी का ऑलरेडी डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का निरीक्षण हो चुका है। सीतापुर परसंडी का भी CRS का निरीक्षण इसी महीने में प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में हमने और यहाँ गाजीपुर 40 किलोमीटर, बलिया फेफना करीब 13 किलोमीटर तथा कछुआ रोड ज्ञानपुर रोड का 30 किलोमीटर का दोहरीकरण इलांगिंग इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा किया हमने, जो पिछले किन्हीं भी वर्षों से कहीं ज़्यादा है। वर्ष 2021 में हमने करीब
562 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पर किया था, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के इतिहास का एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है और भारतीय रेल में विद्युतीकरण के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे को उस 2021 में द्वितीय स्थान भी प्राप्त हुआ। वर्ष 21-22 में मऊ आजमगढ़ 43 किलोमीटर, आनंद नगर नौतनवा 40 किलोमीटर एवं मढ़ियार डोभी का 23 किलोमीटर खंड का विद्युतीकरण कार्य हम पूरा कर चुके हैं। अभी तक पूर्वोत्तर रेलवे पर कुल 2370 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हुआ है और 21-22 में आनंद नगर गैसरी गोंडा 180 किलोमीटर, गोंडा बहराइच 60 किलोमीटर, शाहजहांपुर पीलीभीत 84 किलोमीटर, आजमगढ़ शाहगंज 54 किलोमीटर, लखीमपुर मैलानी 60 किलोमीटर, मैलानी शाहगढ़ 43 किलोमीटर, भोजीपुरा काठगोदाम 89 किलोमीटर तथा रामपुर लाल कुआं 69 किलोमीटर खंडों का विद्युतीकरण पूर्ण करने का लक्ष्य है, जो इसी साल पूरा होने जाएगा। पिछले साल तक मार्च 22 तक 75% रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पर पूरा हो चुका है और इस साल के अंत तक करीब करीब 90-95% का विद्युतीकरण हो जाएगा और सन 2022 के अंत तक या 23 की शुरुआत में पूरा पूर्वोत्तर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। गाड़ियां भी क्योंकि अभी कोविड की कुछ कोविड पर कंट्रोल है तो हमने कोविड से पूर्व पूर्वोत्तर रेलवे में 70 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, आज हम उसमें से 67 जोड़ी ट्रेन का संचालन कर रहे हैं तथा धीरे धीरे करके पैसेंजर गाड़ियां जो हम नहीं चला पा रहे थे कोविड के प्रोटोकॉल के कारण या कोविड के फैलने के डर के कारण, उनमें भी 62 जोड़ी अनारक्षित ट्रेन भी हमने चलाना शुरू कर दिया है और टचवुड अगर कोरोना ठीक रहा, कोरोना में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं आई तो आगे की भी गाड़ियां हम और चलाएंगे, कुछ गाड़ियों को चलाने का ऑलरेडी हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। मैंने हम चारों तरफ से हर तरह से जिस तरह से भी कोरोना से लड़ाई जीत सकते हैं उस सबकी हमने तैयारी की हुई है। गोरखपुर में हमने जैसा लोग कहते हैं कि इस बार बच्चों के लिए तीसरी वेव अगर आई तो बच्चों के लिए खतरनाक होगी क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए भी अलग से पीडियाट्रिक वार्ड हमने गोरखपुर में बना लिया है, बनारस इज्जतनगर और लखनऊ में भी बनाया है, उन पर भी काम चल रहा है, वो भी पूरे हो जाएंगे और इन सारी कठिन परिस्थितियों में हमारे रेल कर्मियों ने जितना कार्य किया उन सब का उत्साह वर्धन करने के लिए 75 दिन का बोनस भी डिक्लेयर हुआ है, जो कि दशहरे से पहले पहले रेलवे बोर्ड से ऐसा बताया गया है कि दशहरे के पहले पहले उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो हड़ताल तो बेसिकली इसलिए की गई थी कि जो हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस डिक्लेयर किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने, उससे ही संबंधित ये प्रेस वार्ता थी, क्योंकि इस साल हर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कार्यकर्ता को मैक्सिमम करीब 17,751 रुपया मैक्सिमम तक मिल सकेगा, उसके लिए की गई थी। हाँ, यही बोनस दिया गया है क्योंकि प्रोडक्टिविटी कोविड में इतनी मेहनत करी लोगों ने, इतनी भयंकर परिस्थितियाँ थी उस समय भी गाड़ियाँ चलती रहीं, गुड्स गाड़ियाँ चलती रहीं, पैसेंजर में जितना करते रहे, नॉर्थ ईस्टर्न में तो पिछले जब फर्स्ट कोविड वेव थी तो श्रमिक स्पेशल सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर रेलवे के लोगों ने ही चलाई थी और लाखों लोगों को उनके घर पहुँचाया था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
ये बोनस, ये करीब 70 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। हमारे लोग करीब शायद 40-42 हज़ार लोग इससे लाभान्वित होंगे। हाँ मतलब इस हमारी आप ये सोचिए कि हमको पैसेंजर से उतनी इनकम नहीं हुई जितनी हर साल होती थी, उसके बाद भी गुड्स से अर्निंग करके हम लोगों ने उसको घाटे को जो है वो कम करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कम भी किया। हाँ वो तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है ना कि जितना अर्निंग है जितनी इनकम है जो ऑपरेटिंग रेशियो हो रही है उस हिसाब से डिसाइड होता है और वो पूरे इंडियन रेलवे के बेसिस पे डिसाइड होता है, खाली एक रेलवे के बेसिस पे डिसाइड। रेलवे ने एक तो हम लोग अपना वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बहुत कुछ हो चुका है, मैंने जिसकी फिगर अभी बताई थी आपको, और साथ में हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट हर जगह लगा लिया है अपने तीनों डिवीज़न में और गोरखपुर हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की भी काफ़ी कुछ हमने सिलेक्शन करके रखा हुआ है, तो सब कुछ तैयार है। पीडियाट्रिक्स वार्ड अलग से कोरोना के लिए हमने चारों जगह बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं, हमारी तो पंक्चुअलिटी पिछले सालों से कहीं अच्छी है। पंक्चुअलिटी अगर देखेंगे तो करीब करीब 95% पंक्चुअलिटी है, तो ऐसा नहीं है कि आउटर पे कभी कोई समस्या हो जाती होगी तो ज़रूर खड़े रहते होंगे, लेकिन अगर जनरल आप देखेंगे तो हमारी पंक्चुअलिटी 95% है, जो कि अगर कोविड के पहले हम जाएंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की पंक्चुअलिटी करीब 70-75% रहती थी। देने की बात चल रही है सर, क्या कुछ नहीं अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, चल रही है जो डिटेक्शन मशीन है। कुछ दिन पहले गए थे, नहीं नहीं अब चल रही हैं, पहले ख़राब थी अब नहीं। ट्रेनें तो हम ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, हाँ 5 पेयर का हमने प्रपोजल ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सर कोविड काल में मरे हुए रेल कर्मियों को सर 2-2 लाख रुपये सहायता दी गई है? नहीं, 2-2 लाख तो एडिशनल सहायता दी गई जो किसी और रेलवे में नहीं दी गई। हम लोगों ने अपने स्टाफ बेनिफिट फंड एक होता है उससे इसका प्रोविजन बनाया और प्रोविजन बना करके दिया, वो दिया। साथ में हमने उनका जो सेटलमेंट है वो सारा सब कुछ हम ऑलरेडी दे चुके हैं तुरंत, और उसके साथ साथ एक कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट होता है उनके परिवार के, एक उनके एक आश्रित को नौकरी मिलती है, तो वो सब लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 111 लोग थे, 109 लोगों को दी जा चुकी है और एक को अभी मिल जाएगी। एक आदमी का कुछ डिस्प्यूट है इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक।